प्लश्चि कहते हैं राजन, पौर काल की बात है, बृहत नामक कल्प में धर्ममूर्ति नाम के एक राजा थे जिनकी इंद्र के साथ मित्रता थी। उन्होंने शास्त्रों दैत्यों का वध किया था। सूर्य और चंद्रमा भी उनके तेज के सामने प्रभावहीन जान पड़ते थे। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया था। वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। मनुष्यों से उनकी कभी पराजय नहीं हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था भानुमती। वह त्रिभुवन में सबसे सुंदरी थी। उसने लक्ष्मी की भांति अपने रूप से देव सुंदरियों को भी मात कर दिया था। भानुमती ही राजा की पटरानी थी। वे उन्हें प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। एक दिन राज्यसभा में बैठे हुए महाराज धर्ममूर्ति ने विश्व में मुग्ध होकर अपने पुरोहित पुनि श्रेष्ठ विशिष्ट को प्रणाम करके पूछा, भगवान किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है? मेरे शरीर में जो सदा उत्तम और विपुल तेज भरा रहता है, इसका क्या कारण है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वैश्या थी जो सदा भगवान शंकर के भजन में तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुष्कर में चतुर्दशी को नमक का पहाड़ बनाकर सोने की बनी देव प्रतिमा के साथ विधिपूर्वक दान किया था। शुद्ध नाम का एक सुनार था जो लीलावती के घर में नौकर का काम करता था। उसी ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्य मुख्य देवताओं की स्वर्णमयी प्रतिमाएं बनाई थी जो देखने में अत्यंत सुंदर तथा शोभा संपन्न थी। धर्म का काम समझकर उसने उस प्रतिमाओं के बनाने की मजदूरी नहीं ली थी। उस नमक के पर्वत पर जो सोने के वृक्ष लगाए गए थे, उन्हें उस सुनार की स्त्री ने तपाकर दैदीप्यमान बना दिया था। सुनार की पत्नी भी लीलावती के घर परिचारिका का काम करती थी। उन्हीं दोनों ने ब्राह्मणों की सेवा से लेकर सारा कार्य संपन्न किया था। तदंतर धीर काल के पश्चात लीलावती वैश्या सब पापों से मुक्त होकर शिवजी के धाम को चली गई और वह सुनार जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत सात्विक था और जिसने वैश्या से मजदूरी नहीं ली थी, आप ही हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से आप सातों दीप के स्वामी और हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हुए हैं। सुनार की ही भांति उसकी पत्नी ने भी सोने के वृक्षों और देव मूर्तियों की कांतिमान बनाया था, इसलिए वही आपकी महारानी भानुमती हुई है। प्रतिमाओं को जगमग बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर हुआ है और उसी पुण्य के प्रभाव से आप मनुष्य लोक में अपराजित हुए हैं तथा आपको आरोग्य और सौभाग्य से युक्त राज लक्ष्मी प्राप्त हुई है। इसलिए आप भी विधि पूर्वक धान्य पर्वत आदि 10 प्रकार के पर्वत बनाकर उसका दान कीजिए। प्लश्चि कहते हैं, राजा धर्ममूर्ति ने बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया और अनाज आदि के पर्वत बनाकर उन सबका विधि पूर्वक दान किया। तत्पश्चात वे देवताओं से पूजित होकर महादेवी जी के परम धाम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग का भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, वह भी पाप रहित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। राजन, अन्न आदि परतों के दान का पाठ मात्र करने से दुःस्वप्नों का नाश हो जाता है और फिर जो इस पुष्कर क्षेत्र में शांतचित होकर सब प्रकार के परतों का स्वयं दान करता है, उसको मिलने वाले फल का क्या वर्णन हो सकता है।